आज अभी मैं थोड़ी देर पहले मम्मी के कमरे में आया और ये मम्मी क्या कर रही पता नहीं, इतने रात को 11:30 बजे रात क्या हो गया भाई? मेहंदी लगा रही हूँ, मेरा मन करा मेहंदी लगाने का। सो गाइस मेहंदी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम सुबह कहीं जा रहे हैं, कल शायद से 5 बजे जाएंगे कहीं कोटद्वार जा रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो कल ही बताएंगे सुबह, है ना? आपको बताएंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है गाइस कि हम कोटद्वार किस काम से जा रहे हैं। और यार याद देखो मम्मी के इसने बेड में चिपका रखा है ये। गाइस मैं रात में मम्मी चसक ना जाए, मैं डर जाती हूँ कि ये क्या है। ये तो मम्मी की मेहंदी लग रही है या कुछ नहीं है गाइस, ये सिंपल सा है। मुझे मेहंदी लगानी तो नहीं आती तो... पर मेरा मन बहुत कर रहा था मेहंदी लगाने का। मम्मी का मन करता है बस, साफ सीधी बात है। और बाकी अभी हम आपको सुबह मिलते हैं। सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज आदर्श पवार और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस टाइम हो रहा टाइम 5:30 बजे और शानू और मम्मी पापा सब कोटद्वार जा रहे हैं और इन्होंने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। तो गाइस एक नई दिन के साथ इतना अच्छा वातावरण और सब मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मम्मी पापा अभी सब रेडी हो रहे हैं, शानू हो चुका है, तो बस बने रहिए इस ब्लॉग के साथ और बाकी शानू आपको लेके जाएगा कोटद्वार। सो गाइस हम निकल चुके हैं घर से और निकले हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, हम रायपुर पहुंच चुके हैं शायद से और यहाँ पेट्रोल पंप पे। सो गाइस कौन है भाई? सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ट्रैफिक देखो भाई कितना भयंकर लग रहा है और शायद ऐसे ही हो सकता है आते हुए हम भी ऐसे ही फंसेंगे, अभी तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है भाई साहब। और अभी हम हरिद्वार पहुँच गए और अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है, अभी तो बहुत है, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चिड़ियापुर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और एक गाड़ी और पीछे और एक और वहाँ पे है, वहाँ खड़ी है गाड़ी। और अभी हम कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे और हाईवे देखो बड़ा मस्त है यार, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है, वहाँ सब वहाँ खड़े, चलो चलते हैं। तो अभी यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, दाल मखनी और पूरी और आलू और हाईवे के किनारे ही है। गाइस देखो ये हमारे चाचा हैं, ये देखो ये चाची यहाँ पर है और अब हमारी चलने की तैयारी हो रही है, हमने नाश्ता वास्ता खा लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोगों ने, चलो चलो फिर से चलो चलो। और आधे को आधी भाई, अरे आप बड़े है, ये मौसी की लड़की है, ये मौसा जी है, नीचे करो सीसा सीसा, उनको टाइम लगेगा, नहीं नहीं लगेगा टाइम। ये मौसा जी यार वो बारी मौसी है वहाँ, हाँ चाचा कुछ बोले जा सुन के आ जा। सो अभी हम सीधवली जा रहे हैं, वहाँ पर भाभी आ गई हैं और वहाँ भैया, चलो चलो भाई सब्सक्राइब कर भाई, चलो यार चलो चलते। तो गाइस यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, सिद्धबली मंदिर है ना आपका नाम? हाँ सिद्धबली मंदिर, यहाँ चाचा ने खड़ी है, वहाँ हमारी दूसरी गाड़ी वो खड़ी है और बाकी सब पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ नहीं दब सकती थी, यहाँ इतने में नहीं दबती बाहर, हाँ दब जाती किधर है मम्मी लोग, ये भीड़ तो बहुत है, कोटद्वार में है बहुत तगड़ी भीड़ है तो। सो गाइस अभी हम पार्क में, मैं मम्मी और भाभी गई नहीं है ऊपर मंदिर क्योंकि बहुत चढ़ाई है गाइस, कैसे जाएंगे, बहुत चढ़ाई हो रही है और धूप बहुत तेज है, चढ़ाई बहुत है और धूप भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत है वहाँ देखो। और अभी ये पार्क है यहाँ पे तो सब बच्चे यहाँ पार्क में खेलते हैं, नहीं कौन कौन नहीं। और वहाँ देखो वहाँ देखो पार्क में बढ़िया सर, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है भाई बहुत ज़्यादा, हमने गाड़ी अपनी वहाँ कहीं लगा रखी है उधर कहीं, किसी को पता मैं मंदिर गया नहीं था, मंदिर तो पापा गए थे और यहाँ पर भी हम हवा करवा रहे हैं क्योंकि वाले नहीं मतलब सारे टाइम में हवा कम है, बहुत टाइम से डलवाई भी नहीं थी
यहाँ हवा भर रही है और बाकी सारे पीछे लगे हैं। यहाँ पर है मम्मी और ताई जी। हेलो गाइस, आज हम कोटद्वार शिवपल्ली मंदिर गए थे। ताई जी लोग गए थे, मैं मम्मी और भाभी तो गए नहीं थे, जैसे कि आपने देख लिया था। हम लोग गए थे, आप लोगों ने देख ही लिया था जैसे। नीलम के बस का था भी नहीं वैसे। गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी ज्यादा थी और वैसे भी सीढ़ियां थी ज्यादा और भीड़ भी बहुत थी, नहीं तो मैं चल जाता। और गर्मी बहुत थी, बहुत थी। और यहाँ पर चाचा लोग भी ओवर आ रहे हैं। अरे विक्की भाई, अरे अच्छा चाचा कुछ कह रहे हैं, आ जा चाचा। और ये सब के सब मंदिर होके आए हैं भाभी को छोड़ के। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मंदिर है, बढ़िया लगा, बहुत सुंदर। और आपको कैसे लगा? मन खुश हो गया, इन लोगों का दर्शन करके, दर्शन करके मन खुश हो गया। मूर्ति इनको बोला मैंने, मैंने जो ये पीछे वाले बैठे हैं ना, इनका मन कर रहा था कि वही मंदिर में जोगी के साथ बैठ जाऊं। बड़ा मन पसंद मंदिर, बिल्कुल हवा, महात्मा, बिल्कुल हनुमान जी के साथ साथ दर्शन हुआ। चलो साथ साथ में साक्षात होता है। साथ 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 रुके हैं क्योंकि आंखें मेरी दर्द होगी यार, गाड़ी चला चला के इतना लंबा सफ़र और आंखें लाल होगी। मैं यहाँ कुछ पानी वानी पीने के लिए रुके थे, मुँह दूंगा फिर जब से। तो आज अभी हम फिर से रुके हैं यहाँ पर, क्या है जगह का नाम है? लाल दप्पड़। हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, चाचा लोग पीछे रह गए पता नहीं, और पापा पता नहीं आगे कहीं जा रहे हैं। और आज भाई बहुत ज़्यादा थक लगी है भाई, कसम से यार, पता नहीं कहाँ रह गया। चलो हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ, कुछ खा लेते हैं यहाँ पे। भाई अभी हम सब मिले हैं यहाँ पर, पापा लोग की पार्टी चल रही है, अभी हम सब मिल गए। और ये सारे है आगे, थाना सामने पुलिस वाला खड़ा। हाँ भाई थाने सामने, थाने के सामने ये लोग, थाने के सामने गाइस देख रहे हो। तो गाइस अब ये हमारी तीसरी लोकेशन चेंज हुई है, दो बार हमने उधर बदला है, अभी तीसरी बार यहाँ रुके हैं कुछ खाने के लिए। चाय पियोगे हैं? हाँ चाय पियूंगा। आप चाय पियोगे? इन बाल्टी में चाय दे दो। आई नहीं। तो गाइस अभी यहाँ पर हम इस ढाबे पे रुके हैं और एकदम हाईवे के किनारे बैठ रहे हैं, मज़ा आ रहा है एकदम ठंडे में। वहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है सारी और एकदम हाईवे के किनारे मज़ा आ रहा है, गाड़ियाँ जा रही है मज़े से। और शाम का मौसम इतना मस्त, कैसा मौसम हो रहा मेरी चाय। फैन है ना, ना खाओ आप लोग फैन, मैं तो मुँह खाऊंगा ये फैन खा भाई। तो गाइस हमने अभी खा लिया पीना यहाँ पर सब चीज़, और अब निकल रहे हैं यहाँ से, मम्मी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पापा हैं। हाय गाइस, हम कोटद्वार से आ चुके हैं आराम से, तो वैसे फटाफट से निकलते घर। हाँ घर तो निकलना, लेट हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेट होगी आज। चलो भाई, चाबी होगी, चाबी किसकी चाबी होगी? चाबी तो मैं तो भाई कहती थी छोड़ के आ गए थे, मैं अभी घुमा रही थी, अभी खा रहा हूं, अरे मैं बैठा था उठी थी मैं, वो कुर्सी में रख रहा। चलो भाई, आज चाबी खो गई थी नन्नू की, उसकी वाइफ ने छुपा दी थी और फिर वो बेवकूफ बना रही थी कि मैं आज मैं कुछ जजमेंट कर जरा, मैं कुछ जजमेंट कर सकूं पर नहीं कर पाई। हम लोगों ने ओपन कर दिया है कि नन्नू की चाबी नन्नू की वाइफ के हाथ में है, चाबी मैंने कुर्सी में रखी थी, ये उठा के भगती और हमें वो बना दिया। चलो चलो कोशिश मैंने पूरी, चलो विक्की भाई, चलो भाई चलो।
और गाड़ी ऐसी चल रही है सू सा सू। रॉकेट की तरह जा रही गाड़ियाँ।